नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो काफी गंभीर है। जो विषय है वो किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन के दौरान जैसे सरकार ने शशि थरूर समेत 6 वरिष्ठ पत्रकार, राजसर देसाई जैसे पत्रकारों का जो सरकार ने उनके ऊपर जो FIR दर्ज की है, देशद्रोह जैसा मुकदमा उन पे जो FIR दायर की है वो कहीं ना कहीं अनिंदनीय गए, जिसके बाद जो पूरे देश के मीडिया हाउस थे वो आगे आए गए। और कल का जो कॉलम था उसमें सभी ने अपना जो एक जो लेख है संपादकीय है उसमें छापा भी गए। कहीं ना कहीं सरकार की ये जो मीडिया को दबाने की प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है। सभी उनकी निंदा करते हैं, हम जैसे पत्रकार हैं वो उनकी निंदा करते हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान जैसे कि पूरे हरियाणा के अंदर या फिर बात करें जिन जिन बॉर्डर पर किसान बैठे गए वहां पे इंटरनेट बंद करना कहीं ना कहीं सरकार की जो दमनकारी नीति है उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहे। ये आरोप विपक्ष भी लगा रखा गया इस तरह से किसानों के आंदोलन को दबाना सरकार को कहीं नुकसान ना दे दे, कहीं सरकार के हाथ से सत्ता ना चली जाए, इसी डर के कारण शायद सरकार इंटरनेट बंद किए हुए है बॉर्डर पर। बात करें सबके सब, वहीं किसानों ने भी मांग की है कि बॉर्डर पर जितने नेट इंटरनेट की आप सुविधा है वो चालू कीजिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इंटरनेट बंद था। तो इस तरह के जो सरकार के काम है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और सरकार को चाहिए कि मीडिया की स्वतंत्रता पर उंगली ना उठाए। स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्र है और सोशल मीडिया की बात करें वो अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं। फिर एक बार से कहूंगा, जैसे राजसर देसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह जैसा मुकदमा कहीं ना कहीं सरकार की दमनकारी नीतियों को दर्शा रहा है। आप देखते रहिए इंटरनेशनल, मैं अनुराग सिंह, आप देखते रहिए इंटरनेशनल, खबर वही जो हो सही।